हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और आप लोगों का स्वागत है गौरव व्लॉग में। तो गाइज कैसे हैं आप? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहिए, स्वस्थ भी रहिए, मस्त भी रहिए, यही मेरी विशेष है आप सभी के लिए। तो गाइज चलिए हमारे ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो गाइज आज वैसे मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या कि आज मैं उठाऊँ वैसे 6:45 के लगभग में, क्योंकि रात को मैं लेट रहा था क्योंकि कल एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। कल शाम को मेरे फ्रेंड का कॉल आया जब जगन्नाथपुरी की यात्रा से हम घर पर आए, तो उस समय मतलब कुछ देर हुई थी हम लोगों को घर पर आए हुए, एंड सडनली कॉल्ड मी यार मम्मी एक्सपायर हो गई है। तो वो रहता काफ़ी दूर है, ओके। और अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है ना कि मुझे कुछ पैरों में जो तकलीफ़ हो रही है, सो आई कैन नॉट ट्रेवल, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार मैं अभी कभी भी मतलब बाद में चला जाऊँगा उसके पास में। आज मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, ये मेरा ब्रेकफास्ट भी जो है मेरे पास में, मतलब मेरी पूजा तो हो चुकी है, ठीक है। और ये मेरा ब्रेकफास्ट चाय और पूड़ी जो मेरा मोटा है मतलब सुरभी वो प्रिपेयर कर गई थी, ओके। तो अभी फ़िलहाल में मैं इसको ब्रेकफास्ट को अभी कर रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 9 बज रही है। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए मेरे साथ में, हम कुछ कवर तो करेंगे बट कुछ नहीं, बहुत अच्छा कवर करेंगे और आप लोगों का पूरा एंटरटेनमेंट करूंगा। तो गाइज आज का जो फिलहाल में मेरा प्लान जो है वो तो मतलब मैं मोस्टली 110% सोच रहा हूँ कि मैं राजवाड़ा जाऊँ और राजवाड़ा को कवर करूँ, ठीक है। पर मौसम का मिजाज अगर ठीक रहा, मौसम के तेवर अगर मेरे फेवर में रहे तो हम तो बिल्कुल जाएंगे, ठीक है। और हमारे मोटे को भी उठा के लेके चलेंगे कि चलो मोटे राजवाड़ा चलते हैं। तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा गाइज कि आज हम लोग जा रहे हैं राजवाड़ा पैलेस फोर्ट को कवर करने के लिए। सरप्राइज दूंगा और उसके अच्छे रिएक्शंस देखूंगा उस समय, ठीक है गाइज। तो हम लोग फिर चलेंगे। तो फ्रेंड्स आज का दिन तो ऐसे ही गया, क्योंकि मैंने ऐसे बताया था ना कि अगर मैं कुछ भी प्लान बनाता हूँ तो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आज पूरे दिन से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, और कहीं जा नहीं सका मैं। और लूसी देखो मस्ती कर रही है, मैं आपको लूसी को दिखाता हूँ, ठीक है। हेलो बोल, हेलो बोल, हेलो हेलो लूसी, चलो चलो आप, हेलो बोलो, हेलो नहीं बोलना, चलो गुस्सा आ गया लूसी। ये हैं भाभी और ये हैं मम्मी, हेलो बोलो, नमस्ते। और ये हमारे स्पेशल मैकेनिक साहब, ये हैदराबाद से आए हुए हैं और मशीन में हेयर ऑयल यूज करते हैं। और ये इनके असिस्टेंट मोटा, हमारा सुरभि मोटा। मशीन रिप्लाई हो रही है, सोच रही थी रिपेयरिंग हो रही है मशीन, वॉशिंग मशीन। तो ठीक है अभी क्या चल रहा है? तो मैकेनिक साहब से पूछिए फिर क्या दिक्कत है। मैकेनिक साहब अभी अगली प्रोसेस के लिए यूट्यूब ओपन करेंगे। आज नहीं करा है, आज समझ में आ गया उसकी पूरी बीमारी। अच्छा घूम भी रहा है बट काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। आवाज अभी तो हमारी मशीन का काम चल रहा है और आई होप कि मशीन ठीक हो जाए एंड ताकि हम कपड़े धो सके उसके अंदर में। यही होता है और क्या होगा, मशीन ठीक हो जाएगी तो कपड़े धुलेंगे उसमें। बैठ के हम कहीं घूमने झूला झूलने तो जाएंगे नहीं, है ना। तो वेट करते हम, ठीक है। तो बड़ी देर की जद्दोजहद के बाद में अब जो है मशीन, ये देखो हमारा मोटा वायर को फिक्स कर रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब मशीन का ओपनिंग होने जा रहा है। ग्राहक तो कैसे भी कुछ भी बोलेगा, ये दोनों मैकेनिक हैं, मैकेनिक और मैकेनिक का असिस्टेंट। अरे हल्का सा स्पिन कर, गीला कपड़ा डाल, तो अभी फाइनली अभी भाभी ने अपना स्थान छोड़ दिया है अपनी जगह। धीरे धीरे मम्मी ने भी अपनी सीट की पेटी ढीली कर ली है। दोनों असिस्टेंट और मेन बॉस बात करने में लगे। ये देखो ये मशीन, अरे बंद कर तू,
वो पीछे से ड्रम, फिर खुद वो ड्रम पीछे से ऐसा लग रहा है जैसे अपना वेट लॉस कर रहा हूँ, नाच रहा माँ सब जानती है कोई तो कुछ बोलो, अरे एक ही दे दो, नो मत दो, अभी कुछ बोलेंगे मेन बॉस कुछ बोलेंगे घर पे तो मैकेनिक होता है तो मैकेनिक को कौन पूछ। देख तो मैं बोला ना ज्यादा कपड़े गीले डाल दिए इसलिए उसको ठंड लग गई, इतने दिन से ठंड गरम गरम पड़ी हुई थी मशीन। ये घूम रहा है, समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो समझाओ अभी। गोपी बाओ समझी की पाछी समझाओ। बाय बाय। तो फ्रेंड पता नहीं मशीन ठीक होगी कि नहीं होगी, ठीक है, आवाज़ ज़रूर कर रही, बड़ी अजीब अजीब तरीके की मशीन, रिपेयर तो करवाना पड़ेगी यार भाई, नहीं तो हाथ से कपड़े धोना पड़ेंगे, आदत छूट गई हाथ से कपड़े धोने की, है ना। तो फिलहाल में अभी कुछ भी नहीं हो सकता है, संडे का दिन है, कल तो रगड़ पट्टी हाथ से ही करना पड़ेगी, और अगर कपड़े गंदे हैं तो कल जा नहीं सकते, ज़्यादा कपड़े पहन नहीं सकते, मतलब बदल नहीं सकते, क्योंकि बारिश का भी टाइम है, तो वेट करते हैं। सो फ्रेंड्स मशीन के लिए तो अब गई बात मंडे के दिन में, ठीक है ना। सो अभी भैया ट्राई करेंगे, देखते हैं, ओके देखते रहिए, जो भी होगा मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा कि मशीन ठीक हुई या नहीं हुई, ठीक है ना। तो अपन इसको कंटिन्यू रखेंगे और बनाएंगे मशीन का पार्ट टू, मशीन का रिपेयरिंग पार्ट टू, और हमारे जो मैकेनिक साहब आए, पार्ट वन अभी रात को देखो गाइस कितना टाइम हो रहा है, लेट हो गया है ना, तो आप लोग इतनी देर तक जागोगे नहीं, खैर हम लोग तो जागेंगे, ठीक है ना। तो पार्ट टू देखने के लिए इतनी देर तक, पार्ट वन इतनी देर तक आप देखोगे नहीं ना, तो हम पार्ट टू में कंप्लीट करेंगे और कपड़े धोकर भी बताएंगे कि हाँ यार मशीन कपड़े धो रही है ना। तो चलो गाइस फिलहाल में मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तो कमेंट करिएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, ठीक है ना। और चैनल पर आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकॉन के जो बटन को प्रेस करिएगा ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सकेगा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है ना। और लाइक भी ज़रूर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय करूँ।